दोस्तों क्रिकेट और वर्ल्ड कप से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम के बाहर होने के बाद अब बीसीसीआई ने भारतीय टीम के सभी कोच को बदलने का फैसला कर लिया है। आज यानी कि मंगलवार को बीसीसीआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 30 जुलाई शाम 5 बजे तक बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिजियो और अन्य सभी पदों के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बीसीसीआई को अब रवि शास्त्री और अन्य सभी कोचों पर भरोसा नहीं रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय टीम का कोच बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी आवश्यक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा है कि टीम इंडिया के मौजूदा कोचिंग स्टाफ को नियुक्ति की प्रक्रिया में स्वतः प्रवेश मिलेगा। मुख्य कोच को टेस्ट खेलने वाले देश को न्यूनतम 2 साल कोचिंग देने का अनुभव होना चाहिए, या फिर एसोसिएट सदस्य, ए टीम या फिर आईपीएल टीम को 3 साल कोचिंग देने का अनुभव होना चाहिए। साथ ही आवेदक ने 30 टेस्ट या 50 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हों। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग कोच के लिए पात्रता नियम समान है और सिर्फ आवेदक द्वारा खेले गए मैचों की संख्या में अंतर है। इन पद के आवेदक ने कम से कम 10 टेस्ट या 25 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले होने चाहिए। भारत के 3 अगस्त से 3 सितंबर तक होने वाले वेस्टइंडीज दौरे को देखते हुए रवि शास्त्री, बॉलिंग कोच भरत अरुण, बैटिंग कोच संजय बांगड़ और फील्डिंग कोच आर श्रीधर के अनुबंध को विश्व कप के बाद 45 दिन के लिए बढ़ाया गया है। ये सभी पुनः आवेदन कर सकते हैं, लेकिन टीम को नया ट्रेनर और फिजियो मिलना तय है, क्योंकि विश्व कप सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद शंकर बसु और पैट्रिक फरहार्ट टीम से अलग हो गए हैं। दोस्तों आपकी राय में भारतीय टीम के नए कोच कौन कौन होने चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।